ठीक है स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे अपन अर्धसूत्री विभाजन। देखिए एक चीज की गारंटी फिर दोबारा देता हूं मैं, जेट आईसीआर पीएमटी या एम्स चार कैटेगरी या 11th 12th, इन छह कैटेगरी का स्टूडेंट यदि मेरा लेक्चर लेने के बावजूद इनमें सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आई विल बी द रिजाइन ऑफ द टीचिंग। ठीक है, ये तो ही मेरे तो मैं बताना चाह रहा था वो बात। अब बात करेंगे अपन अपने लेक्चर की। मैं आपको पहले समसूत्री विभाजन पढ़ाया था। समसूत्री विभाजन में क्या हो रहा था कि गुणसूत्रों की संख्या थी ना, वो विभाजन के पहले और विभाजन के बाद में कैसे थी, समान। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है बता देता हूं। गुणसूत्रों की संख्या विभाजन के पश्चात आधी हो जाती है, उसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, मान लीजिए गुणसूत्रों की संख्या दो है, विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। कहने का मतलब यह है कि यदि 46 गुणसूत्रों में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 23 हो गए। समझ गए, लिख देता हूं यहां पर। गुणसूत्रों की संख्या विभाजन के बाद आधी हो जाती है, उसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। अंग्रेजी में बोलते हैं मियोसिस। कहने का मतलब गुणसूत्रों में विभाजन हुआ तो जो गुणसूत्रों की संख्या थी वो आधी हो जाएगी। अब मैं डायग्राम में समझाऊंगा कि आधी कैसे होगी। मान लीजिए ये 2n है, एक कोशिका द्विगुणित कोशिका, इस कोशिका से दो कोशिका बनी एन एन, इससे फिर बनी एन एन, इससे फिर बनी एन एन। यहां हुआ मियोसिस फर्स्ट, और यहां पर हुआ मियोसिस सेकंड। ठीक है, डायग्राम नहीं समझ में आ रही है। गुणसूत्रों की संख्या 2n थी, n n, फिर इसमें वापस अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो क्या हुई, चार प्राप्त हो गई। अब एक बात बताता हूं, ये तो होती है इसकी परिभाषा। अब बात आती है कि अर्धसूत्री विभाजन होता कहाँ है या किसमें होता है, तो ये होता है लैंगिक जनन करने वाले जीवों में। लैंगिक जनन वाले जीवों में, ठीक है, मानो कौन सा जनन करता है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन करता है उसमें युग्मक बनते हैं और अर्धसूत्री विभाजन होता है। एक बात बताता हूं, जो माता पिता होते हैं उनसे क्या है कि माता पिता से जो उनकी जो लड़के और लड़कियां होती है वो उनसे अलग होती है। वो क्यों होती है, वो अर्धसूत्री विभाजन के कारण होती है, ये अपने को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आता है कि जो मानव होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है।
क्योंकि उसमें युग्मक बनते हैं। युग्मक कब बनते हैं? जब मानव की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो युग्मक बनेंगे और तब जाके अर्धसूत्री विभाजन होगा। इस साइड में थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, क्या होता है ये लिख देते हैं अपन। मानव की जनन कोशिका में मियोसिस होगा वह युग्मक बनेंगे। अब बात ये आती है, परिभाषा मैंने बता दी कि गुणसूत्रों की संख्या विभाजन के पश्चात आधी हो जाएगी, उसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन में जो सहायक होते हैं या जिन जीवों में लैंगिक जनन होता है ना, उनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। मानव की जो जनन कोशिकाएं होती है उनमें जैसे ही मियोसिस होगा उसमें युग्मक बनेगा। अब एक थोड़ी सी बात और बता देता हूं, क्या होता है कि मियोसिस हो रहा है, दो प्रकार के मियोसिस बताए मैंने, फर्स्ट और सेकंड, याद रख लेना फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो मियोसिस फर्स्ट है ना, उसका मतलब है कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, और सेकंड का मतलब है कि गुणसूत्रों की संख्या समान हो गई, मतलब समसूत्री हो गई। एक मियोसिस में कुल कितनी कोशिका बनती है? पहली चीज, एक एक मियोसिस में कुल कोशिका बनेगी। बात आती है कि एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितनी कोशिका बनती है? चार। चार कैसे बनती है? वही बात आती है, सबसे पहले बात करेंगे अपन नर युग्मक की, कि नर युग्मक में क्या हो रहा है। एक बात पहले बता चुका हूं मैं आपको कि गुणसूत्रों की संख्या विभाजन के बाद आधी हो जाती है, ठीक है, चाहे से नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो। ये 2n मान लीजिए, मैन कोशिका 2n कोशिका में विभाजन से n और n, इन कोशिकाओं में विभाजन हुआ तो n n n और n, ठीक है, ये हो गया। यहाँ हो गया मियोसिस फर्स्ट, ये हो गया मियोसिस फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड मियोसिस, मियोसिस सेकेंड, ठीक है। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो चार कोशिकाएं बन रही है, इसमें क्या होगा, जो नरयुग्मक होता है ना उसमें अर्धसूत्री विभाजन से चार कोशिकाएं बनी, चारों कोशिकाएं सक्रिय होगी या शुक्राणु या चार नरयुग्मक बने, ठीक है। अब बात करते हैं अपन मादा युग्मक उद्भिद की। देखिए जो नरयुग्मक होता है ना उसमें नर शुक्राणु या नरयुग्मक, उसकी चारों कोशिकाएं होती है, वो सक्रिय होती है। मियोसिस फर्स्ट हुआ दो कोशिका बनी, मियोसिस सेकंड हुआ चार कोशिकाएं बनी। अब बात करेंगे अपन मादा युग्मक उद्भिद की, मादा की बात करेंगे अपन, वही प्रोसेस 2n n n n से वापिस वही चार,
वही प्रोसेस होगी, समझे? ये मियोसिस फर्स्ट, ये मियोसिस सेकंड, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मादा युग्मकोद्भिद में क्या होता है, या मादा युग्मक में क्या होगा कि ये जो तीन कोशिका है ना, ये तो क्या हो जाएगी, नष्ट, और जो ये एक कोशिका है ये क्या होगी, एक्टिव या सक्रिय। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मैं कारण बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जो कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है ना, वो सारा द्रव्य इसी कोशिका में आ जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, मादा युग्मकोद्भिद में क्या होगा कि जो कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य होगा वो सारा इस एक ही कोशिका में आ जाएगा, इसीलिए ये तीनों कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी। क्योंकि इसमें कोशिका द्रव्य ज्यादा आ गया, ज्यादा कोशिका द्रव्य आ गया तो ये तीन तो नष्ट हो गई और ये एक बच गई, ठीक है। अब बात करेंगे अपन कुछ क्वेश्चंस की। अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मेरे को मान लीजिए अपने को 100 शुक्राणु बनाने हैं तो कितने म्यूसिस होंगे, क्वेश्चन है। 100 शुक्राणु बनाने में कितने मियोसिस, क्वेश्चन यह आएगा कि 100 शुक्राणु बनाने के लिए कितने मियोसिस होंगे, ठीक है। ऑप्शन तो नहीं दूंगा मैं, ऐसे बता देता हूँ। मान लीजिए अपन ने बात की थी कि नर युग्मक में कितने शुक्राणु सक्रिय होते हैं, सॉरी कितने युग्मक होते हैं या कितनी कोशिकाएं होती है जो सक्रिय होती है, चार, ठीक है। मादा युग्मक में तो क्या हो रहा था कि एक ही कोशिका सक्रिय थी, लेकिन नर युग्मक में चार कोशिका सक्रिय थी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि जो ये 100 शुक्राणु हो गए, 100 तो क्या हो गए, तो इसके लिए सूत्र होगा एन बटा दो। एन बराबर, डायग्राम्स के लिए फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे अपन, अपन करेंगे कि जितने शुक्राणु है ना, उतने शुक्राणुओं का अपन जितने शुक्राणु बना रहे हैं ना, उनका भाग दे लेंगे किसमें, कि कितना विभाजन हो रहा है, कितनी कोशिका सक्रिय थी शुक्राणुओं में, चार, तो कितनी हुई, 25, समझे बात को। कितने शुक्राणु, 100 तो शुक्राणु बन रहे हैं तो उसमें मियोसिस कैसे हो रहे हैं, अपने को पता है कि नर युग्मक में चार ही कोशिका सक्रिय होगी, तो जितनी कोशिका सक्रिय है उस कोशिका को जितने शुक्राणु बनाने हैं उससे अपन भाग दे लेंगे, तो ये मियोसिस आ गया, ठीक है। यानी नर युग्मक थे, चार सक्रिय थे और 100 शुक्राणु जो बन रहे हैं इसका भाग दे लेंगे तो अपने पास मियोसिस आ जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं। मान लो इस जगह 200 शुक्राणु बनाने में कितने मियोसिस चाहिए, तो अपन 200 में चार का भाग दे लेते हैं तो 50 आ जाता, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ एक बार, क्या हो रहा है कि नर युग्मक है उसमें शुक्राणु कितने सक्सेसफुल है या सक्रिय है, चार शुक्राणु बन रहे हैं, चारों ही सक्रिय हैं, तो उन चारों का भाग अपन इसमें देंगे। आगे बात करते हैं, अब मान लीजिए 100 शुक्राणु की बजाय 100 मादा की बात करें, मादा में क्या बनता है, शुक्राणु को छोड़ दीजिए, अब मादा की बात कर लीजिए आप, 100 मादा युग्मक या अंड, अब मान लीजिए 100 मादा युग्मक बनाने हैं में मियोसिस चाहिए, मियोसिस, तो अपन सब जानते हैं कि जो अंड युग्मक या मादा युग्मक बन रहा था उसमें तो एक ही कोशिका सक्रिय थी, तो 100 का भाग एक में देंगे तो कितना आएगा, 100 ही आएगा, समझ में आई बात। या आप अंड भी मान सकते हैं, मादा युग्मक या अंड, बात वही आती है। मान लीजिए 100 इनकी संख्या है, यहाँ आपको विभाजन करवाना है तो ये का यही आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे अपन इसकी अवस्थाएं, अब बात करेंगे अपन कि मियोसिस कैसे होता है। देखिए एक बात मेरी नोट कर लेना आप,
मियोसिस होता है ना, उसमें कभी भी गुणसूत्र अकेला नहीं होगा, वो गुणसूत्र हमेशा एक जोड़े के रूप में होगा। तो ये बात याद रखिए कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र कभी भी अकेला नहीं होगा, वो हमेशा अपना जोड़ा बनाएगा, इसे समजात गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, अब बताता हूँ एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, वो अगुणित कोशिका में नहीं होगा, जबकि अगुणित जीवों में होगा। बता दे छोटी सी बात, मियोसिस अगुणित जीवों में होगा, याद रखना मियोसिस हमेशा अगुणित जीवों में होगा, कभी भी अगुणित कोशिका में नहीं होगा। ठीक है फ्लोइड, अब बात करेंगे अपन मियोसिस की अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। मियोसिस फर्स्ट की अवस्था की बात करेंगे, चार अवस्थाएं होगी इसकी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, सबसे लंबी अवस्था, सर्वाधिक लंबी, सर्वाधिक लंबी क्यों? क्योंकि इसके अंदर पांच अवस्थाएं होती है। पहले इसी की बात कर रहे हैं अपन, प्रोफेज की। इसके अंदर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, इसमें पांच अवस्थाएं होती है, पांच अवस्था, उनकी अपन विस्तार से बात करेंगे। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस।